हेलो एवरीवन वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च जिसको समीर के नाम से भी जाना जाता है इसमें आईटीआई टी आई अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग के लिए कुछ वैकेंसीज निकली है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा क्या क्वालिफिकेशन है कौन से कौन से ट्रेड्स के लिए कौन से कौन से लोकेशन पर जगह है कितने आपको स्टाइपन मिलेगा और सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होगा और लास्ट में अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन ओके okay, तो पूरी अच्छे से आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपके जो भी क्वेरीज होंगी वो क्लियर हो जाएंगे सबसे पहली बात तो इसका जो मेन एडवर्टाइजमेंट है वो कुछ इस प्रकार है दो अलग लोकेशन के लिए ये जगह है एक पवई कैंपस एक खारगर कैंपस के लिए और यहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया अलग अलग वैकेंसीज ये एक साल के लिए आपका अप्रेंटिसिप का प्रोग्राम होगा उसके बाद में यहाँ पे टोटल 42 वैकेंसीज है आपको हर एक ट्रेड के हिसाब से और अलग अलग जो पवई और खारगर यहाँ पे जो लोकेशंस दिए है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिलअप करना है ओके तो फिटर के लिए पांच जगह है टोटल टर्नर के लिए दो मशीनिस्ट के लिए चार इलेक्ट्रिशियन के लिए एक इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए एक ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए सिक्सटीन पी ए एस एस ए के लिए नौ बाद में आईटी और एंड ईएसएम के लिए दो जगह है मैकेनिक जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो ट्रेड है उसके लिए एक वैकेंसी है और उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आप जो भी लोकेशन में आपका आपको अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो ओके okay, तो ये तो टोटल सत्ताईस जगह है यहाँ पे पवई के अंडर और खारगर के अंदर फिफ्टीन जगह है सो so, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो पी ए एस ए का कैंडिडेट्स के लिए है वो मिनिमम ट्वेल्थ है एंड पास आई टी आई फाइनल एग्जाम चलेगा मतलब और पास आई टी आई फाइनल एग्जाम चलेगा इसका मतलब यह है कि आप अगर एपियर हो आई टी आई तो भी आप इसको फिल कर सकते हो फॉर्म को ओके okay, पास भी हो तो, तो कर ही सकते हो लेकिन अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट हो तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम है अगर आपका 10th है 10th के बाद फिफ्टी फाइव परसेंट एस एस सी में होना चाहिए या फिर आपका पी एस ए की कैंडिडेट है आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए एच एस सी में आपका 55 फाइव परसेंटेज है जो पी एस ए की जो पोस्ट है एंड वेल्डर ट्रेड्स के लिए यहाँ पे सात हजार दो ये आपका पर मंथ स्टाइप होगा और बाकी ट्रेड्स के लिए सात हजार आठ सौ सतहत्तर इतना आपका स्टाइपेंड होगा इसका जो लास्ट डेट एप्लीकेशन का है वो चार दिन बचे हैं आपके सिर्फ ओके अभी पंद्रह तारीख इसकी लास्ट डेट है आपको अप्लाई कैसे करना है आपको सिंपली जाना है अप्रेंटिसिप इंडिया डॉट ओ आर जी लॉग इन पे जाना है आ, ओके उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स आपकी जो ज्वाइनिंग के टाइम पे लगेंगे वो इस प्रकार है टेंथ ट्वेल्थ का मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट क्वालिफाइन एग्जाम मार्क्स फॉर ऑल इयर्स बर्थ डेट प्रूफ आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कास्ट सर्टिफिकेट कैंडिडेट शुड ब्रिंग वन सेट ऑफ जेरोस कॉपी आपको एक सेट लेके जाना पड़ेगा इसका जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक दे दिया है यहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना है ये है उनका अप्रेंटिसशिप इंडिया का साइट यहाँ से आपको अप्लाई करना है सिंपली ओके okay. उसके बाद में यस yes, यहाँ से आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है अगर लॉगिन आपका नहीं है तो आप रजिस्टर करो पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का भी मिल जाएगा लिंक उसके बाद में इसका जो सिलेक्शन uh, प्रोसेस है बहुत सिंपल है मेरिट ओके okay, मतलब आपका जो सिलेक्टेड बेस ऑन मेरिट मार्क्स ऑपटेन इन आई फाइनल एग्जाम ओके इंक्लूसिव ऑफ ऑल सेमेस्टर तो आपको कोई इंटरव्यू नहीं है कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है आपका आई का जो भी मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट लगेगा और उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा ओके okay, तो ये है पूरा इसका नोटिफिकेशन ओके okay, बाकी सारे नोटिफिकेशन प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के आपको इसमें मिल जाएंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसका जो भी आगे के नोटिफिकेशन आएंगे आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे ओके okay, बाकी दोनों लिंक मैंने शेयर कर दिए अप्लाई ऑनलाइन और ये पीडीएफ का सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट